हेलो क्लास फोर, आज हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर 9 स्टेट्स इन द प्लेटो रीजन स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हिच स्टेट्स लाई इन दिस प्लेटो रीजन। द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ लाई इन द प्लेटो रीजन। ओके, नाउ दिस वीक वी विल स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट मध्य प्रदेश एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। मध्य प्रदेश इज राइट इन द मिडल ऑफ इंडिया। It is surrounded by Uttar Pradesh in the north, by Chhattisgarh in the east, by Maharashtra in the south, and by Gujarat and Rajasthan in the west. Bhopal is the capital of Madhya Pradesh. Some other important cities are Indore, Deewas, Ujjain, Gwalior, and Jabalpur. The High Court of Madhya Pradesh is in Jabalpur. तो क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश इंडिया के एकदम मिडल में ये स्टेट सिचुएटेड है। इसके नॉर्थ में है उत्तर प्रदेश, इसके साउथ में है महाराष्ट्र, इसके ईस्ट में है छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट में है गुजरात एंड राजस्थान। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे इंदौर, देवास, उज्जैन, ग्वालियर एंड जबलपुर। एंड मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट वो जबलपुर में सिचुएटेड है। मतलब हम लोग जानते हैं कि कैपिटल सिटी में सिचुएटेड होते हैं, बट इन केस ऑफ मध्य प्रदेश इट्स हाई कोर्ट इज सिचुएटेड इन जबलपुर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिज़िकल फीचर्स। फिज़िकल फीचर डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा मतलब रफली तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, ये बेसिकली प्लेटो रीजन में सिचुएटेड है। बट यहाँ के जो प्लेटो रीजन है वो रफ्ड प्लेटो रीजन है, मतलब रफली ब्रोकन एक प्लेटो रीजन है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग माउंटेन रेंजेस भी देख सकते हैं, और या जिसका एक इफेक्ट इसके क्लाइमेट, इसके वेजिटेशन पर हम लोग देख सकते हैं। So let's start. The state is mainly a rough plateau region. Its main physical features are the mountain ranges that stretch across the state are the Vindhyas, Satpura, Maikala and Mahadev ranges. The Vindhya and Satpura ranges are covered by forests of teak, sal and bamboo. These forests consist of several animals such as tiger, gaur, chausinga and black buck. तो क्या बोल रहे हैं, इसका फर्स्ट जो फिजिकल फीचर है दैट इज़ द माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे चार माउंटेन रेंजेस देखने को मिलता है, विंध्यस, सातपुड़ा, मैकला एंड महादेव। तो ये जो चार रेंजेस है इसमें विंध्या एंड सातपुड़ा रेंजेस जो है वो हमेशा फॉरेस्ट से कवर रहता है। और उस फॉरेस्ट में क्या क्या ट्रीज मिलते हैं? टीक, साल एंड बैम्बू, जो बहुत यूजफुल ट्रीज है। इसके अलावा इस फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं जैसे टाइगर, गौर, चौसिंघा एंड ब्लैक बक, ये सब एनिमल्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड जो फिजिकल फीचर्स है मध्य प्रदेश का वो है इसके रिवर्स। द नर्मदा, तापी, शिप्रा, बेतवा, चंबल एंड सोन आर द मेन रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। द नर्मदा राइजेज फ्रॉम अमरकंटक, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्यस एंड सातपुड़ा। तो सेकेंड फिजिकल फीचर है रिवर्स। यहाँ पे यहाँ के कुछ मेन रिवर्स हैं जैसे नर्मदा, तापी, सोन, बेतवा, चंबल, शिप्रा, ये सब कुछ। इनमें से नर्मदा रिवर को बहुत होली रिवर माना जाता है। जो रिवर विंध्य एंड सातपुड़ा का जो मीटिंग पॉइंट है अमरकंटक, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। देयर आर इसका जो थर्ड जो फिजिकल फीचर्स है वो है देयर आर टू प्लेटोज, द मालवा प्लेटो इन द नॉर्थ एंड छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट। मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है मालवा प्लेटो एंड ईस्ट में है छोटा नागपुर प्लेटो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। द समर्स आर हॉट, ड्राई एंड विंडी, व्हेन टेम्परेचर्स कैन राइज अप टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड। विंटर्स आर कोल्ड एंड व्हेन मिनिमम टेम्परेचर फॉल्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। द मॉनसून रेन्स ऑकर बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून टू सेप्टेम्बर। मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे कि इसका सीजन टू सीजन ये क्लाइमेट, मतलब इसका जो एक वेरिएशन है वो देखा जा सकता है। समर्स आर वेरी हॉट, ड्राई एंड विंडी। समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो ड्राई होता है, विंडी भी होता है, और समर में टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीच करता है। विंटर्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू समर्स। विंटर्स में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है और यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री तक फॉल कर जाता है। मानसून यहाँ पर जून से सेप्टेम्बर तक देखने को मिलता है। सो क्लास फोर, आई थिंक तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। सो प्लीज़ स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर अप टू क्लाइमेट अलॉन्ग विद दिस एक्सप्लेनेशन।
थैंक यू।